देख सकते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर किस तरह से उफान पर है। जी हाँ, उफान पर है और नहर आगे से जो एक किनारा है वो टूट चुका है। जी हाँ, नहर काफी बड़ी दरार जो है नहर में आ गई, जिसके चलते साथ लगने वाली नहर में पानी भरना शुरू हो गया और ओवरफ्लो आपको नजर आ जाएगा। अगर बात की जाए, साथ साथ जो है बचाव कार्य लगातार जारी है। गाड़ियां आप देख सकते हैं, डायल 112 की गाड़ी और जो है यहाँ पर विभाग की गाड़ी नजर आ जाएगी। और साथ साथ अगर बात की जाए, आप उफान देख सकते हैं जिसके चलते एक बड़ा टुकड़ा जो है टूटा है और उसके बाद कहीं ना कहीं बात की जाए तो गांव में जो है बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है। ये पश्चिमी यमुना नहर है, करनाल घोगड़ीपुर गांव के पास जो है नहर टूट गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पानी जो है वो भरना शुरू हो गया है। ये उफान आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस उफान की वजह से जो है वो टूटना शुरू हुई और करते करते इतना बड़ा टुकड़ा टूट जाता है। ये दो नहरें और ये नजारा आप देख सकते हैं। सात वाली नहर में ये पानी भरना शुरू है और वो जगह आपको दिखाएंगे कि कहां से नहर जो है टूटी है। जी हाँ, कहां से नहर टूटी है। फिलहाल उस तरफ की बात की जाए तो तमाम विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और बचाव कार्य लगातार जारी है। जी हाँ, बचाव कार्य लगातार जारी है। यहाँ पर तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आगे काफी मशीनें खड़ी हुई हैं जिसको जो है मिट्टी के कट्टे भर भर कर नहर पर डाले जा रहे हैं ताकि किसी तरह से रोका जा सके। अगर बात की जाए, नहर उफान पर है पश्चिमी यमुना, बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये पानी आपको नजर आ जाएगा कि कितने उफान के साथ बह रहा है और यही पानी इस नहर में भरना शुरू हो चुका है। जी हाँ, सात वाली लिंक नहर में भरना शुरू हो गया है और उसके पास अगर बात की जाए तो गांव है घोगड़ीपुर, जिसके ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आगे खेत हैं, खेतों में फसल भी खड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जी हाँ, और ये जो पुल आपको बीच में नजर आ रहा है ये आगे से टूट चुका है। जी हाँ, ये पुल आगे से टूटा है जिसके चलते इस नहर का पानी जो पश्चिमी यमुना नहर है उसके साथ लगती लिंक नहर में भरना शुरू हो चुका है। तमाम गाड़ियां मशीनें मौके पर हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर जो है किस तरह से एक बड़ा टुकड़ा टूटा है। जी हाँ, बड़ा टुकड़ा जरूर टूटा है। अगर नदी के उफान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो काफी ज्यादा उफान पर आपको नजर आ जाएगा। जी हाँ, काफी ज्यादा जो है पश्चिमी यमुना का पानी उफान पर है और साथ साथ यहाँ पर बचाव कार्य के लिए तमाम गाड़ियां जो है मौजूद है। अगर आगे जो है ये कच्चा रास्ता जो जा रहा है यही टूटा है और इसी में काफी बड़ी दरार आई है जिसके चलते दूसरी तरफ पानी भरना शुरू हो गया। आप वहां पर देख सकते हैं कि जो बीच में नहाने के लिए, पशुओं के नहाने के लिए जगह बनाई जाती है, सीढ़ियां बनाई जाती हैं, वो ओवरफ्लो होना शुरू कर चुकी है। दीवार जो है आपको जरा सी नजर आ रही होगी। फिलहाल कहीं ना कहीं बड़ा खतरा जरूर है। करनाल में ये नहर टूटी है, करनाल के घोगड़ीपुर गांव के पास जो है ये नहर टूट जाती है बीच में से। और अगर बात की जाए, आगे आपको दिखाएंगे कि कहां से वो टुकड़ा टूटा है। जी हाँ, इसी रास्ते पर आगे की तरफ से जो है वो टूटा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ये रास्ता है, ये रास्ता कच्चा रास्ता जरूर आपको नजर आ रहा है। यही इन दोनों नहरों के बीच में जो है लगता है, जो टूटा है, यही जो है इस पश्चिमी यमुना आप देख सकते हैं किस तरह से उफान पर है। क्योंकि पश्चिमी यमुना अगर करनाल से बात की जाए तो करनाल में भी एक से दो नहरें इसके साथ जरूर मिलती हैं और कहीं ना कहीं पानी भरना इसमें शुरू हो चुका है। एक बड़ा टुकड़ा बीच में से टूट गया है जिसको लेकर बचाव कार्य जारी है। यहाँ पर डायल 112 पुलिस की बात की जाए, साथ साथ मजदूरों की बात की जाए, 150 से 200 मजदूर यहाँ पर बुलाए गए हैं। और साथ साथ अगर आपको बता दूं कि मिट्टी के कट्टे भरकर उस तरफ फिलहाल जो है जाने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रास्ता जो साथ लगता है, जो बीच में एक छोटी सी कच्ची पुलिया है जो गांव और इस नहर के बीच में है, वो भी टूटना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वो टूटना शुरू हो चुकी है क्योंकि जो वो कच्चा रास्ता है वो उसकी मिट्टी कट कट कर पानी में मिलती जा रही है और ये रास्ता टूटता जा रहा है। उसके बाद अगर ये पूरी तरह से टूट जाता है तो नहर का पानी खेतों में जाएगा, खेतों के बाद गांव में, और गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको फिलहाल नजर आ जाएगा कि किस तरह से मशीनें खड़ी हुई हैं और साथ साथ बचाव कार्य लगातार जारी है। और इस पश्चिमी यमुना के जो, जी हाँ, पश्चिमी यमुना जो नहर है
उसमें उफान है, कहीं ना कहीं उसमें उफान है, जिसके चलते कहा जा रहा है जो ये कच्चा रास्ता है वो आगे से टूटा है और इसका पानी यहाँ पर भरना शुरू कर चुका है। जी हाँ, इसका पानी पश्चिमी यमुना नहर का साथ लगने वाली लिंक नहर में भरना शुरू कर चुका है और जैसे ही वो पुलिया जो कच्ची जहाँ पर फिलहाल बचाव कार्य जारी है, अगर वो पुलिया टूट जाती है जो कच्ची है, तो कहीं ना कहीं पानी अंदर इस गाँव में चला जाएगा और बचाव कार्य जो है वो जारी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जब एक मिट्टी का कच्चा टुकड़ा टूटता है तो उसको वहां पर रोका भी गया था क्योंकि मशीन भी पानी में बह सकती थी। फिलहाल अगर इस नहर की बात की जाए तो काफी ज्यादा तेजी से जो है पानी जरूर बह रहा है, इसीलिए जो है बताया जा रहा है वो टूटा है, रास्ता जो है वो टूटा है। कहीं ना कहीं अगर आप इस साइड देखेंगे, फिलहाल मशीनें मौके पर बुला ली गई हैं और आगे चलकर उस टुकड़े तक आपको लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कितना ज्यादा जो है वो टुकड़ा टूटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सामने की तरफ जो है तमाम गांव वहां पर इकट्ठा हो चुका है और किसी तरह से बचाव कार्य में जुटे हुए हैं लोग। ये दो नहरें जी हाँ, जिसका ये रास्ता बीच की जो पुलिया है वो टूट गई है और कहीं ना कहीं इस नहर से पानी लिंक नहर में भरना शुरू कर चुका है और भरते भरते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नदी तो उफान पर आपको नजर आ ही रही है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा पानी आपको ऊपर तक नजर आने लगा होगा। और अगर बात की जाए तो वहां तमाम लोग इकट्ठा हैं, जी हाँ तमाम लोग इकट्ठा और कहीं ना कहीं सभी जो है बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, क्योंकि गोगड़ीपुर गांव लगता है आगे जो है काफी गांव है, आगे जूंडला जानी जैसे गांव है, बड़ोता गांव है, जहां पर काफी लोग रहते हैं, गांव की संख्या आबादी की बात की जाए तो काफी ज्यादा है। और अगर बात की जाए इसी तरह से पानी भरता रहा और मट्टी जो है वो कट कट कर शुरू हो चुकी है नहर में गिरना, जी हाँ, और वहां पर आप देख सकते हैं कि मशीनें आपको नजर आ जाएगी, बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, नदी पूरे अपने उफान पर है, जी हाँ नदी पूरी उफान पर है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर बचाव कार्य जारी है। ये नदी पश्चिमी यमुना नहर है जिसके बाद यहाँ पर पानी भरना शुरू हो चुका है दूसरी नहर में, लिंक नहर जो साथ में लगती है, और यहाँ पर तमाम जो है मजदूर बुलाए गए हैं, जल्द से जल्द जो है लकड़ी के पोल साइड पर लगाए जा रहे हैं इस रास्ते को और मजबूती देने के लिए, यहाँ पर मिट्टी और ज्यादा डाली जा रही है और साथ साथ उसको जो है यहाँ से हटाया भी जरूर जा रहा है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप आगे देखेंगे तो वहां पर काफी बड़ा जो है टुकड़ा भी टूटकर गिर चुका है, जिसके चलते उस पुल को खाली भी जरूर करवाया जा रहा है। छोटा सा रास्ता बीच में है, कच्चा रास्ता जो गांव के खेतों में आप लगता है, उसके बाद पानी खेतों में घुसना शुरू कर देगा, जी हाँ, क्योंकि पश्चिमी यमुना नहर की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा उफान पर नजर आ रही है, तेजी से जो है ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये टूट जाता है और ना कहीं ये पुल आप देख सकते हैं महज मट्टी का जो है ये पुल है और यही जो है टूटा है आगे से, उसके बाद पानी जो है इन नहरों के बीच में भरना शुरू कर चुका है, लिंक नहर में पश्चिमी यमुना का पानी भरना शुरू कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल मजदूर भी आपको जो है जाते हुए नजर आ जाएंगे। अगर बात की जाए तो आगे बचाव कार्य जो है जारी जरूर है, कहीं ना कहीं जो है खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मिट्टी का जो है टुकड़ा, रास्ते का जो टुकड़ा है वो टूटना शुरू हो चुका है और टूट टूट कर गिरता जा रहा है। छोटा संकरा रास्ता ही जो है वहां पर जाने के लिए फिलहाल बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बड़ी किस तरह से आगे की तरफ देखेंगे तमाम मजदूर, तमाम गाँव के जो है लोग वहां पर इकट्ठा है और बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए वो रास्ता इतना ज्यादा टूटना शुरू हो चुका है कि वहां पर जो है मशीनों को रोकने की भी जो है जगह ज्यादा नहीं दिख पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाए इस साइड पश्चिमी यमुना नहर है और पीछे उसके साथ ही बिल्कुल लगती जो है लिंक नहर है, जिसमें फिलहाल पानी भरना शुरू कर चुका है और पानी भरते भरते आप देख सकते हैं वो गांव की तरफ भी जो है जा सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पर तमाम जो है लोग हैं और जिसके बाद आपको वो टुकड़ा एक बार दिखा दें जहाँ पर जो है ये टूटा है, जी हाँ जो टूटा है कहीं ना कहीं बड़ा जो है एक बड़ा दरार, इसको कह सकते हैं बड़ी दरार है दोनों नहरों की, ये बीच की पुलिया है बिल्कुल, यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर है और साथ साथ साइड पर उसकी लिंक नहर है, लिंक नहर में पानी भरना शुरू कर चुका है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक नहर में पानी भरना फिलहाल जो है शुरू कर चुका और
अगर पश्चिमी यमुना नहर की बात की जाए तो वो उफान पर है। जी हाँ, पश्चिमी यमुना नहर जो है उफान पर है, काफी तेजी के साथ जो है वो बह रही है, जिसके कारण एक बड़ा टुकड़ा टूट जाता है और सामने बचाव कार्य के लिए जो है वहां पर फिलहाल मट्टी के कट्टे जरूर डाले जा रहे हैं, लकड़ी के पोल लगाए जा रहे हैं। लकड़ी के पोल के साथ साथ अगर बात की जाए तो वहां पर मजदूरों को, बहुत सारे मजदूर जो है बुलाए गए हैं ताकि इसको रोका जा सके। उसके उस साइड गांव है, खेत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर उधर पानी जाना शुरू कर दिया तो वहां पर क्या कुछ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी यमुना पूरे उफान पर है। जी हां, पश्चिमी यमुना पूरे उफान पर है। फिलहाल आपको तस्वीरें आगे से दिखाएंगे जहां पर जो है बड़ी जो है ये दरार आई है, बड़ा टुकड़ा जो है इस कच्ची जो है ये पुलिया नजर आ रही है, इसका टूटा हुआ है और इसकी वजह से इस नहर का पानी लिंक नहर में भर रहा है और लिंक नहर के साथ जो कच्चा रास्ता है वो टूटना शुरू कर चुका है और धीरे धीरे जो है वो टूट कर ये सारा पानी उधर भी जा सकता है, लेकिन बचाव कार्य जारी है। कहीं ना कहीं मशीन वहां पर अपना कार्य करती हुई जरूर नजर आ जाएगी। आपको दिखा दें कि किस तरह से जो है यहाँ मशीनें अपना कार्य करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक जो है बड़ी जरूर ये घटना रही है करनाल के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि करनाल में अगर बात की जाए घोगड़ीपुर गांव के पास ये नहर है जहां पर जो है ये टूट जाती है और उसके साथ अगर बात की जाए तो एक बड़ा टुकड़ा टूटा है। जी हाँ, एक बड़ा टुकड़ा नहर का टूटा है जिसके बाद पानी दूसरी नहर में भरना शुरू कर चुका है। और अगर बात की जाए पश्चिमी यमुना फिलहाल बहुत ज्यादा उफान पर है। एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा दें, आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से जो है उफान पर है। एक बार जो है वो टुकड़ा आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं अंधेरा होने को आया और शाम के बताया जा रहा है 3 बजे के आसपास की घटना जो है पूरी बताई जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल मशीनें यहां से निकलकर बाहर जरूर जाती हुई नजर आ रही है और मट्टी ज्यादा डाली जा रही है ताकि जो है उस रास्ते को मजबूती दे सके, और उस रास्ते पर जो है मट्टी कट कट कर निकलना शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बहुत जो है वहां पर जेसीबी वगैरह की मदद से मट्टी डाली जा रही है, और अगर इसी तरह से ये कटे हुए टुकड़े से पानी बाहर की तरफ निकल कर बहता रहा तो ये इस जो उस तरफ गांव और नहर के बीच में पुलिया है वो भी टूट सकती है, क्योंकि वहां से मजदूरों को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा टुकड़ा जरूर जो है टूट रहा है। फिलहाल आप अगर वहां पर तस्वीरें देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से जो है ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं किस तरह से इस रास्ते को मजबूती देने के लिए यहाँ पर जो है मट्टी जरूर डाली जा रही है। जी हाँ, मट्टी डाली जा रही है और कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए जो है ये मट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर लोग आपको नजर आ जाएंगे, लकड़ी का पोल जरूर लगाया जा रहा था, बचाव कार्य लगातार जारी था, मट्टी का पोल लगाकर रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से नहर का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो है यहाँ पर जो है बचाव कार्य सफल हो पाता है, क्योंकि पानी तो फिलहाल जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर देख सकते हैं कि किस तरह से ये नहरें भरना शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर अगर आपको दिखा दें कि ये जो नहर है लिंक नहर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, ऊपर तक नज़र आने लगा है, और आगे की तरफ से जो है ये टुकड़ा टूटा हुआ है नहर, पश्चिमी यमुना नहर जो है ये लगती है और दो नहरों के बीच में जो ये पुलिया है ये टूटी है, जिसके वजह से पश्चिमी यमुना नहर का पानी लिंक नहर में जाना शुरू हुआ और लिंक नहर से जो उसके साथ कच्चा रास्ता है वो टूटना शुरू हो चुका है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं गाँव में पानी भर सकता है। एक बार आगे भी जो है आपको दिखाएंगे कि कहां से जो है ये पुल टूटा है, ये कच्चा रास्ता टूटा है। एक बार आगे की तरफ चलते हुए जरूर दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ जो है हुआ है।
फिलहाल आपको वो टुकड़ा दिखा देते हैं जहाँ पर बड़ी दरार आई है। अगर बात की जाए, ये पश्चिमी यमुना नहर है साइड पर, जिसके साथ लगती लिंक नहर में पानी जो है भरना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए, ये वो टुकड़ा है। फिलहाल तस्वीरें करनाल से हैं, करनाल के गुगड़ीपुर गांव से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पश्चिमी यमुना नहर है, बीच में ये पुलिया है और साथ में लिंक नहर है। ये बड़ा टुकड़ा टूटा है। एक बार फिर से आपको ये दिखा दें कि कितना बड़ा जो है ये जो है बीच में टूटा है, जिसकी वजह से ये पानी जो है दूसरी नहर लिंक नहर में भरना शुरू हो चुका। और कहीं ना कहीं जो गांव और उसके बीच में नहर के बीच में कच्चा रास्ता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है टूटना, मट्टी जो है वो कटना शुरू हुई। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरह से पूरे वहां पर लोग हैं, बचाव कार्य भी जरूर जारी था। और अगर वहां पर देखेंगे मशीनें नजर आ जाएंगी, पुलिस की टीमें भी मौके पर जरूर पहुंची थी। फिलहाल ये बड़ी दरार जरूर है, अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है ये पुल मट्टी जो है वो कट रही है। वहां से एक बड़ा टुकड़ा गिरा, वहां पर जो है मजबूती देने के लिए जगह जगह पर लकड़ी के पोल लगाकर उसके साथ जो है मिट्टी के कट्टे जरूर डाले गए हैं। अगर यहाँ पर आपको पूरा एरिया नजर आ जाएगा कि बीच में ये जो है पुलिया है और फिलहाल साइड पर जो है दोनों नहरें आपको नजर आ जाएंगी। पश्चिमी यमुना नहर है, उसके साथ लिंक नहर है, जिसमें इसका पानी फिलहाल भरना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ जो है ये पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसी तरह से वहां का अगर मिट्टी का जो टुकड़ा बताया जा रहा है वो कटता रहा। जी हाँ, मिट्टी का टुकड़ा वहां पर आप देख सकते हैं, ये जो बताया जा रहा है, अगर ये इसी तरह से कटता रहा तो कहीं ना कहीं ये पानी अंदर जा सकता है और गांव में भर सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें कि किस तरह से जो है ये टुकड़ा कटना शुरू हुआ है। जी हाँ, किस तरह से ये टुकड़ा कटना शुरू हुआ, अगर आपको दिखा दें कि ये आप देख सकते हैं बीच में बिल्कुल टूट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल बीच में से जो है आपको टूटा हुआ जरूर नजर आ जाएगा कि टूट चुका है। और ये वो बड़ा, ये पश्चिमी यमुना नहर है, ये वो पुल है, ये वो टुकड़ा है जो टूट कर इस तरफ आप देख सकते हैं कि पानी लिंक नहर में भर रहा है। और तमाम यहाँ पर गांव के लोग खड़े जरूर हुए हैं, अपने अपने हिसाब से जो है यहाँ पर बचाव कार्य भी करते हुए नजर आए। कई जो है पेड़ झाड़ियां उठाकर भी साइड पर रखते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं वहां पर पोल लगाकर जो बचाव कर रहे हैं। आगे की तरफ भी एक मशीन है जो यहाँ पर बचाव कार्य लगातार जारी है। कहीं ना कहीं घोगड़ीपुर गांव में ये समस्या जरूर खड़ी हो सकती है अगर इसी तरह ये नहर का पानी टूटता हुआ और जो है इसमें जाएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आगे से बात की जाए तो करनाल से होते हुए नहर, पश्चिमी यमुना नहर यहां पहुंचती है घोगड़ीपुर गांव। और अगर बात किया जाए आगे, आगे भी काफी गांव लगते हैं, जूनला जानी और जूनला जानी बड़ौता जैसे आगे गांव लगते हैं। और ये नहर, किस नहर की बात की जाए, पश्चिमी यमुना नहर है, बीच में ये कच्चा जो है रास्ता था जो टूट चुका है, यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। आप इस बड़े जो है गैप को देख सकते हैं जिसके बीच में से पानी उस नहर में भरना शुरू कर चुका है। फिलहाल मट्टी डाली जा रही थी कि रोका जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई सफलता हासिल होती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जो अपना कार्य करके लोग जाते हुए भी आपको दिखेंगे। फिलहाल वहां पर पोल लगाकर और मट्टी के कट्टे लगाकर और रास्ते को मजबूती देने के लिए और ज्यादा मिट्टी डाल दी गई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये पानी तेज है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है, लेकिन करनाल में इतनी ज्यादा बारिश जो है देखने को नहीं मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिति जो है करनाल घोगड़ीपुर की। आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहे। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।